हूँ संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। काले छात्र की हत्या, परिजनों का आरोप शराब पार्टी के बाद हुआ था विवाद। मछली पालन विभाग के वाहन चालक पर हमला। खाद की कालाबाजारी पर दमोह कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, एफआईआर कराई गई दर्ज, दुकान हुई सील। भगवान तुलसा सालग्राम विवाह की तैयारियां, चोरों पर भगवान की लिखी गई लगन। ये थे दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पटेरा की, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है। कॉलेज का छात्र था, सेकंड ईयर में पढ़ता था, बीती रात शराब की पार्टी चल रही थी, इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई है। उसके दो मित्र हत्या के बाद से फरार चल रहे हैं। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत रेंजुआ घाट से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम राहुल आदिवासी है। बताया जाता है कि एक झोपड़ी में बैठकर वह अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी कर रहा था, इसी बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवक की गला रेंतकर हत्या कर दी गई है। दोनों दोस्त घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। परिवार के लोगों के द्वारा दो लोगों पर संदेह भी जताया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम का भी सहारा लिया गया। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। परिजन काफी गमगीन है, काफी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है। सेकेंड ईयर का छात्र था, कॉलेज में पढ़ता था, जिसकी हत्या कर दी गई। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते। बीती रात तेजरा थाने की वालिया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर भाई ने भाई के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है खेत की भेड़ को लेकर एक विवाद था, जिस पर यह हमला किया गया। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत बीती रात एक मामला सामने आया, जहां पर बड़े भाई पर छोटे भाई ने अपने पुत्र के साथ मिलकर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बताया जाता है खेत की मेड़ को लेकर एक पूरा विवाद है। परसोत्तम यादव के ऊपर हमला किया गया। राम सिंह और उसके पुत्र के द्वारा ये हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा। परसोत्तम ने क्या हो गया है? झगड़ा हो गया, कुल्हाड़ी मार दे। किससे झगड़ा हो गया है? किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? कहाँ की घटना है ये? कहाँ की घटना है? पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरी, लखी डीसी न्यूज, तमाम। बीती रात दो बाइक के आमने सामने टकरा जाने से चार से अधिक युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि काफी तेज रफ्तार इनकी बाइकें थी, जो आपस में टकरा गई। बीती रात दो बाइक आमने सामने टकराई, काफी तेज रफ्तार ये बाइक थी, जिसमें चार से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या हो गया है? कहाँ पे? धनगर रोड पर। कैसे हो गया है? मुझे पूरी जानकारी नहीं।
खबरों में बात करेंगे एक और बड़ी वाहन दुर्घटना की। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर आज एक हादसा हुआ जहां पर ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। लोधी परिवार जो कि राजा राम सिमरी का है, बादकपुर जा रहा था एक जनता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इसी बीच यह हादसा हुआ। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर ऑटो ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई है जिसमें ऑटो काफी दूर जाकर गिरा। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि राजा राम सिमरी से लोधी परिवार बांदकपुर जा रहा था कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने हमें बताया। नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सर सिमरी का जगह। ये लोग कौन हैं आपके? सर परिवार के हूँ। क्या हो गया इन लोगों को? सर ऑटो से लटक गया, एक्सीडेंट। कहाँ पे? सर समन नवाई पास। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिमरी राजा राम से बानकपुर जा रहे। कितने लोग घायल हो गए? सर 4 लोग। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ। पथरिया में खाद की कालाबाजारी की जा रही थी जिसके बाद व्यापारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि पथरिया में किस तरह से खाद की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कालाबाजारी चल रही थी, खाद को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में दमोह कलेक्टर एस के चेतन के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, बड़ा एक्शन लिया गया जहां FIR कराई गई, वहीं दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा किसानों से अपील भी की गई। आज पतरिया में चौधरी बीज भंडार से जो DAP का खाद है वो जो निर्धारित रेट है उससे ज्यादा रेट में बेचने की एक वीडियो भी सामने आई है और किसानों के बारे में भी पता चला। लगभग 5 बजे के आसपास हम लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है तो तुरंत जो है संबंधित अपने SDM और SADO और अलग अपना रेवेन्यू टीम जो है वहां पे संबंधित दुकान के पास गई है और नियमानुसार जो है वो दुकान को सील किया गया है और जो भी व्यक्ति वहां पे निर्धारित रेट से ज्यादा के इसमें बेचने की बात आई है उनके विरुद्ध जो है FIR भी दर्ज हो गई है। सभी अपने किसान भाइयों से निवेदन है, हम लोग लगातार जो है जितने भी अपने प्राइवेट एजेंसी से जितने अपने विपणन संघ के गोदाम है और जितने भी अपने मार्केटिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां जहां पे आज के डेट में DAP का खाद और NPK खाद जहां जहां पे उपलब्ध है लगातार जानकारी देते जा रहे हैं और ये भी हम लोग बोल रहे हैं कि केवल और केवल सभी लोग जो है अपना POS मशीन से ही खरीदी होगी और उस रिसिप्ट में जितनी राशि आती है उतने का ही पे करके अपना DAP का खाद हो या NPK खाद जो भी होगा वो प्राप्त करने के लिए हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा बताएगी। आज पथरिया कस्बे में DAP खाद की कालाबाजारी का प्रकरण सामने आया है। पथरिया कस्बे में जैन मंदिर के पास गलाकोटा रोड पर संदीप जैन नाम के व्यापारी का खाद बीज भंडार है, जैन खाद बीज भंडार। उसमें DAP का जो निर्धारित रेट है 1200 रुपये उससे बढ़ा करके वो 1700 रुपये में बासा कला के एक किसान को वो बेच रहा था। जैसे प्रकरण संज्ञान में आया है राजस्व के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी उन्होंने पहुंच करके उसकी जांच की और ये पाया गया कि वो निर्धारित रेट से ज़्यादा बेच करके कालाबाजारी कर रहा था। कृषि विभाग के द्वारा थाना पथरिया में इसकी रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 3/7 इसी एक्ट का प्रकरण थाना पथरिया में आरोपी के विरुद्ध कायम करके विवेचना की जा रही है। किसान के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गए थे कि 1200 रुपए की DAP की बोरी 1700 रुपए में से दी गई है जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। मछली पालन विभाग के वाहन चालक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। उसका कहना है कि जान लेने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा लगातार कार्रवाईयों में सहयोग किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी वाहन चालक को लेकर जाते हैं, वे कार्रवाई करते हैं। मछली पालन विभाग के गाड़ाघाट तालाब को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा है।
इस तालाब से मछली निकाली जा रही थी, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों के द्वारा जाकर जाल सहित अन्य सामग्री को जब्त किया था। पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई थी। आज जाहिद नाम के वाहन चालक पर कुछ युवकों के द्वारा एक राय होकर हमला कर दिया। बुरी तरह से मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। घायल वाहन चालक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां विभाग के अधिकारी भी उसे देखने के लिए पहुंचे थे। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। विभाग में वाहन चालक के पद पर पदस्थ हूं और मैं कल कुछ लोग चोरी से मछली मार रहे थे, तो मेरे साहब ने मुझे बुलाया, अधिकारी ने देव सायन बाती, और मैं अपने बड़े साहब टी के राय से पूछ कर गया। उन्होंने कहा बिल्कुल जाओ साथ में, उनकी इनवाती साहब के साथ में। तो मैं उधर तालाब पे पहुंचा, तो मैं साथ में गया ड्यूटी करने। अभी मुझे क्या मतलब था कोई चीज़ से, मैं तो अपनी गाड़ी चलवाते तो चलाते, साथ में बिठाल के ले जाते तो बैठ के चला जाता हूँ उनके साथ। और साहब का ही कहना था कि तुम साथ में जाओ उनके। उसके बाद भी माने हमने कुछ बोला भी नहीं उधर। जितने लड़के उधर गए थे, 10 लड़के थे, उनकी पूरी वीडियो हमारे साहब के मोबाइल पर है, और उन 10 के नाम पूछे हैं साहब ने, पूरे नाम भी हैं उसमें। और वो ही लड़के आके हमारे लिए सुबह से उनके हथियार जब्त कर लिए गए और उन्होंने भाग लिया था। पुलिस भी गई थी साथ में। कितने बजे की घटना है ये? ये करीब करीब वही अभी जो मारा है हमें, जे 8:30 के करीब। कितने लोग थे कम से कम, जिसने जिसकी आपके ऊपर जिसने हमले किए? कम से कम 20 लोग थे, और दीपू रेखवार ने हमें बुलाया था। दीप माने उसने दीपक गोविंद का लड़का, गोविंद बराबर है जो उसका लड़का है, उसने फ़ोन से बुलाया, मेरे पास नंबर है उसका, और उसने हमको बुलाकर और कह रहा पान खा लो भाई जान, इतने में बोल छुपे हुए थे लड़के। तो एकदम से मैं नहीं समझ पाया कि धोखे से बुला रहे हैं कल की घटना का रंजिश के लिए। जिनके जाल पकड़े गए थे उनमें पूरे वो ही लड़के थे मारने के लिए आए थे, जो बेसबॉल के बल्ले से मेरे सर पे। हमें पता चला कि हमारे जाहिद को धोखे से बुला लिए हैं और मारपीट किया सुबह। कौन लोग थे सर ये जिन्होंने मारपीट की है? ये अभी वो ये रेखवार मोहल्ला के कोई लोग है, अब जाहिद ही बता पाएंगे कौन कौन मारपीट किया है। सर इसके मामले में अभी आपने FIR की क्या? ये FIR अभी कलेक्टर साहब से भी मिलके आया हूँ, SDM साहब भी आए थे, पुलिस वाला इनका बयान ले रहे हैं और मेडिकल वाले इनके जांच कर रहे हैं और नियम अनुसार कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज़ संभव। दौ में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा गाय का विशेष पूजन किया गया। उनका कहना है कि प्रत्येक हिंदू को एक गाय घर में पालना जरूरी है, क्योंकि गांव में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि है। दमोह नगर में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा गाय का विशेष पूजन किया गया। दमोह के अलग अलग चौराहों पर गाय का पूजन किया गया। बताया जाता है कि कार्तिक माह में गाय की पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते विशेष रूप से गौ माता का पूजन किया गया, जहां तिलक लगाया गया, उन्हें चारा भी खिलाया गया और विशेष पूजन किया गया। पूरे प्रांत में, क्षेत्र में और केंद्र में गौ माता का पूजन किया जा रहा है ऐसी केंद्र की योजना से, और घर घर भी सब पूजा गौ माता का पूजन कर रहे हैं, और सामूहिक रूप से विश्व हिंदू परिषद आज गौ माता का पूजन कर रहा है गोपाल सिंह को उपलक्ष्य में, और गौ का महत्व बता रहा है कि गौ की क्या उपयोगिता है। गौ माता आज मारी मारी फिर रही है, ऐसा बन गया है कि गौ माता को क्यों छोड़ दिया गया, जबकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और गौ माता में कितनी गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गौ माता हमारी कितनी पूजनीय है, ऑक्सीजन देती हमारी गौ माता, और कोई को श्वास की दमा की बीमारी होती है गौ माता के पास ज़्यादा तो बीमारी भी मिट जाती है, ऐसी हमारी गौ माता है आज, और गौ माता को छोड़ दिया है। तो आज हम सभी से आज यहाँ संकल्प भी लेते हैं कि हर हिंदू अपनी अपनी एक गौ माता की रक्षा करेंगे और गौशाला में जाकर के पूजन करेंगे और अन्नदान और जो भी है गौ ग्रास भी निकालेंगे गौ माता के लिए, ऐसा संकल्प लेके आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, और गौ माता का आज पूजन किया गया दमोह जिला में, ऐसे सभी क्षेत्रों में ऐसा काम हो रहा है गौ माता का पूजन कर। इस अवसर पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ संभव। भगवान तुलसा सालिग्राम विवाह की दमोह नगर में धूम नजर आ रही है। दमोह के बुद्ध मंदिर में भगवान की लगुन लिखी गई, बाद में लगुन रवाना हुई, जिसमें भक्त जमकर झूमते और नाचते नजर आए। भगवान तुलसा सालिग्राम का विवाह बड़ी ग्यारस यानी की
देव उठनी 11 के दिन संपन्न होता है। दमों में धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। दमों के हृदयसर घंटा घर के समीप स्थित श्री बूंदाभू मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तुलसा सालग्राम विवाह संपन्न हो रहा है। जहां बीती रात लगन संपन्न हुई तो वहीं शादी की तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रस्में भी निभाई जा रही हैं। मंदिर कमेटी अध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में लोगों से अपील की गई कि इस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करें। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज देश याद कर रहा है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहा है। दमोह के कांग्रेसियों के द्वारा उन्हें याद किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर दमोह में नेहरू उद्यान बनाया गया है, जहां पर उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इटोरिया परिवार के द्वारा ये मूर्ति लगवाई गई थी, जहां पर कांग्रेसियों के द्वारा श्रद्धा सुमन। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन दमोह में धूमधाम से मनाया गया। दमोह के नेहरू पार्क में कांग्रेसियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती कांग्रेस परिवार की ओर से तिथि वर्षानुसार मनाई जाती है। उस वर्ष भी हम सब पूरे साथियों के साथ जयंती समारोह मना रहे हैं। आधुनिक भारत के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित होकर नेहरू पार्क में जयंती मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज यहां पर समस्त कांग्रेस जन हमारे पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। और हमें जैसा कि मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बच्चे बहुत प्रिय थे और गुलाब का फूल बहुत प्रिय था, इसलिए इसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि अभी हमारे कल्लन भैया कह रहे थे कि हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस समय जब इनके कंधे में पहले भारत देश का भार आया तो उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध, भिलाई का इस्पात कारखाना, दामोदर घाटी परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं पर काम किया, जो कि भारत की नींव बनी। और आज इतने वर्षों में जो भारत ने, कांग्रेस ने भारत को दिया, उसकी अवमानना करके ये केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री भोपाल आने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आदिवासी परिवारों को आमंत्रित किया गया है। लाखों परिवार वहां पहुंच रहे हैं। दमोह से 26 बसें रवाना की गई। भोपाल में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसके चलते 26 बसें दमोह से आदिवासी परिवार के सदस्यों को लेकर रवाना हुई। सागर नाका टोल टैक्स पर अधिकारियों के द्वारा इन बसों को रवाना किया गया। गणेश आदिवासी, कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल जा रहा है बिरसा मुंडा जी की जयंती के लिए। वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे,
लिए जा रहे हैं और हम आदिवासियों के गर्व का दिन है, लोग जा रहे हैं क्योंकि ये मौका बराबर नहीं मिलता है, इसीलिए हम जा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है गणेश और पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो जयंती के लिए आप आ रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? हमारे 35 लोग हैं बस में। सागर रोड से होते हुए ये जा रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो जनजाति महासम्मेलन हो रहा है भोपाल में, उसमें सम्मिलित हो रहा है। कितने कितने लोग बस में? ये चूँकि बसों की सीट की क्षमता के हिसाब से किसी में 50 भी हैं और किसी में 33 और 24 क्योंकि बाई चांस लोग नहीं इकट्ठे हो पाए हैं, तो फिर जितने लोग आ पाए हैं उतने लोगों को लेकर सारा चेक हो चुका है, परिवहन विभाग से सब चेक किया जा चुका है। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज, दबाव। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को किसी पर मंडी सागर नाका में गुरुवार की आरती एवं मां भगवती की आरती की जाती है, जिसमें भक्तों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया जाता है। भगवती मानव कल्याण संगठन एक ओर नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा है तो दूसरी ओर लोगों के लिए रक्त भी उपलब्ध करा रहा है। वहीं प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी तादाद में गुरुवार के शिष्यगण मौजूद रहते हैं। दमोह की किसी बस मंडी में ये महाआरती सम्पन्न हुई, माँ भगवती की आरती की गई, गुरुवार की आरती की गई। इस अवसर पर संगठन से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसका आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक स्कूली बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया गया। कोर्ट परिसर में न्यायाधीश की उपस्थिति में इसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आधारशिला संस्थान के बाल भवन, जेपीबी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ला कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता के इनाम पाए। आपकी आगे की नींव रखी जाती है कि हम क्या कर पाएंगे लाइफ में। हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमेशा ये बताया था कि स्टूडेंट लाइफ इज जस्ट लाइक हेल, नरक के समान है। इस टाइम अगर आपने सोच लिया कि जवान है, एंजॉय करें लाइफ को, बहुत खूबसूरत तरीके से जिए, आपकी सारी जिंदगी नरक जैसे कटेगी। और अगर हमने इसी लाइफ को, स्टूडेंट लाइफ को एक नरक की तरह काट लिया, तो आपकी सारी जिंदगी स्वर्ग है। उन टीचर की ये बात को मैंने अक्षरशः बाल भवन के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और हमें अच्छा लगा कि बच्चे यहाँ तक आए हैं। एक जो दिली इच्छा थी कि बच्चे यहाँ तक आए, मैडम से वो पुरस्कार प्राप्त करें, ताकि वो लाइफ टाइम वो चीज़ को याद रखें कि माननीय डीजे मैडम ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वो भविष्य में, जो मैडम ने एक वक्त पर कहा है कि लाइफ में जो स्ट्रगल है, अगर वो आज स्ट्रगल करते हैं तो बाद में उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये संदेश मैं पुनः बच्चों को देना चाहती हूँ कि आज वो जो पढ़ाई का दौर है उनके लिए, वो आज स्ट्रगल अगर करते हैं तो उन्हें लाइफ में एक बहुत उज्ज्वल भविष्य मिलेगा। थैंक यू। इम्तियाज चिश्ती, लखीडीसी न्यूज़, तब हो।
सामाजिक संस्था कदम के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा जाता है। आज भी भारत माता पार्क में लोगों के जन्मदिन पर पौधा रोपा गया। प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा भारत माता पार्क में रोपा गया। कदम संस्था लोगों का जन्मदिन मनाती है, इस बार भी लोगों का जन्मदिन मनाया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा अपने पिता की पुण्यतिथि पर भी पौधारोपण किया गया। काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे। कदम संस्था के सदस्यों के द्वारा कदम गीत भी गाया गया और कदम संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। डॉक्टर केदारनाथ शर्मा के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया गया। इस अवसर पर कदम संस्था के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। शुभकामना देगा और ये पौधा कदम ने जो लगाया है, मैं प्रभु से आशा करता हूँ जिस तरह से ये पौधा बड़े वैसी उनकी आयु लंबी हो, जिस तरह से ये पौधा हरा भरा रहे वैसा उनका परिवार खुशहाल सुखी बना रहे, ऐसी कदम संस्था प्रार्थना करता है। आइए जोरदार ताली में जाके हम लोग वो गीत गाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे। ये पौधा बड़े जैसी तुम्हारी आयु लंबी हो, जिस तरह ये पौधा हरा भरा रहे वैसा तुम्हारा परिवार, हमारा कदम परिवार हरा भरा बना रहे, ऐसी कदम संस्था प्रार्थना करता है। कदम संस्था की ढेर सारी शुभकामनाएं। समारोह में बहुत आनंद लिया, दाल बाटी का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक भैया को ये उनसे निवेदन तो हम लोगों ने किया पे, आज सभी को शुभकामनाएं। कदम ने जैसा एक पारंपरिक गीत बनाया है कि सभी के सम्मान करें। You, happy birthday to you, happy birthday to all of you, happy birthday to you, happy birthday to you। खबरों में हम बात करते हैं गढ़ाकोटा की, जहां पर एक घर में तेंदुआ घुस गया था। हालांकि वन विभाग से नहीं पकड़ा पाया, बाद में फटाका फोड़कर से जंगल की ओर भगाया गया। गढ़ाकोटा के पचारा में गत दिवस राकेश सिंह ठाकुर के खेत में एक तेंदुआ पहुंच गया था जो एक झोपड़ी में घुस गया था, जहां पर वह साइकिल के नीचे बैठा हुआ था। दिन भर वह बैठा रहा। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी यहां पहुंची थी। आसपास के क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाए। लगभग शाम 7 बजे एक फटाका फोड़ा गया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। SDO सागर प्रतिभा शुक्ला के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि तेंदुए का रेस्क्यू हुआ, तेंदुआ सुरक्षित जंगल की तरफ भाग गया है। ली थी सुबह, जिसके बाद वन विभाग लगातार रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन तेंदुए का रेस्क्यू नहीं हो पाया। क्या दिक्कतें आ रही थी और आपने यहाँ जो टीम आई थी उसने क्या किया? जी नहीं, मेरा ये कहना है कि तेंदुए का रेस्क्यू हुआ, तेंदुआ सुरक्षित बाहर जंगल की ओर चला गया। तो उसको हम फर्स्ट जो हमारा रेस्क्यू का उद्देश्य रहता है कि बिना ट्रैंकलाइज किए वन्य प्राणी को जंगल की तरफ मोड़ना, तो वो तेंदुए का रेस्क्यू हुआ है, ये मेरा कहना है। अभी तेंदुए का मूवमेंट किस तरफ किया गया? जंगल तरफ किया गया मूवमेंट, गांव से जंगल की तरफ किया गया। पटाखे फोड़ के सुरक्षित उसको बाहर निकाला घर से और जंगल साइड भेजा गया। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। गढ़ाकोटा में अक्षय नवमी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा विशेष पूजन किया गया, साथ ही दिवाली गीत भी। अक्षय नवमी के अवसर पर विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन किया गया। आंवले के वृक्ष का विशेष पूजन किया गया। गढ़ाकोटा के जगदीश स्वामी मंदिर में मंगल गीत गाए गए, दिवारी भी गाई गई। महिलाओं के द्वारा वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाया गया। जब नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष इंदु खटिक से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कार्तिक मास अपने अंतिम पायदान पर है, महिलाओं के द्वारा अक्षय नवमी पर भगवान का पूजन अर्चन किया गया। क्षेत्र पर क्या करने आए हैं? आवरी नमे जैसे कि कार्तिक का आखिरी महीना रहता है, इसमें आवरी नमे की पूजा होती है। इसमें हम सभी महिलाएं आके कदम की पूजा करते हैं, आवरी नमे की पूजा करते हैं।
आंवले की परिक्रमा लगाते हैं, पूजा करते हैं और सभी बहुत उत्साह से क्रिसमस मनाते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की खबरों में हम बात करते हैं हटा की, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हटा के गायत्री मंदिर में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव एवं तेज खान के दिशा निर्देशन में बाल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों के समक्ष सबका साथ सबका विकास शीर्षक पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि नीलू पाठक मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में अध्यापक रमेश प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ नेमा, शिक्षक श्रीमती रश्मि पांडे मौजूद रहे। प्रथम स्थान पर पलक जैन, द्वितीय स्थान पर नीतेश तिवारी, तृतीय स्थान पर प्रिया जैन रही। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार सबका साथ सबका विकास पर एक 62 आयोजन विकास का निश्चय पर रखा गया था, जिसका आज 14 नवंबर और हमारे महापुरुष नेहरू जी के जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमने राष्ट्रीय परिषद के हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिनमें से 3 नाम जिला लेवल के लिए चयनित किए गए, उनको भी हम लोगों ने पुरस्कार और सांसा पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित कर जिला के लिए भेजा है। और बाकी सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे शिक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कार्य छात्र की हत्या, परिजनों का आरोप शराब पार्टी के बाद हुआ था विवाद। मछली पालन विभाग के वाहन चालक पर हमला। खाद की कालाबाजारी पर दमोह कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, FIR कराई गई दर्ज, दुकान हुई सील। भगवान तुलसा सालग्राम विवाह की तैयारियां, जोरों पर भगवान की लिखी गई लगन। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।